टीम फाइनली आज हमारी मना रहे हैं, टीम हमारी आ चुकी है और उसमें लोंग भी डाला है। बहुत पिसाई करिए मगर टीम में नहीं, ताश में। इतनी मिसाई की जाते मगर की कमर में नहीं आ सकते यार, उठा के लाओ। ये चाहिए थी वीडियो। अभी चलकर आ रही है, धोने की जरूरत नहीं है, गर्म हो रही है। हम रेडी हो चुके हैं और आज है हमारा हलीम फाइनली, आज हम हलीम बना रहे हैं, टीम हमारी आ चुकी है। रेहान भाई जो है वहाँ पे सुबह से बेचारे दोपहर से लगे हुए, अकेले मैं अभी अभी आया हूँ। तो ये हमारी देखो गुब्बारा लेके आई है, ये गुब्बारा है मुन्नू का गुब्बारा है, हमारा गैस वाला गुब्बारा, बचपन में हमने बहुत उड़ाई है। उड़ गया मुन्नू, ये लो मुन्नू, ये लो पकड़ो उसको, वासी पकड़ो। अच्छा जी, अब हमारा नमाज हमने पढ़ लिया कि बहुत आज हमारी मेहनत हो गई थी, बहुत गंदे कपड़े उड़ते, अभी देखी भी थी आपने वीडियो। अब हम जरा नहा धोके तैयार हो गए और ये हमारा ये जो है ना, ये बन गया हमारा खाना, ये लग गया है और ये इतने सारे पापड़ खाएंगे, ये सब ये लोग खाएंगे, अभी दिखाते हैं आपको। सारे पापड़ लेके आए हुए हैं और ये लोग बैठे हुए, ये सुहाना है और ये मुन्नू है और ये बासित है और ये हमारा खाना है। ये मेरी पसंद की है अपना क्या कहते हैं सवैया, अम्मा खिला दी हमारी बना के, बड़े अच्छे से दाल तड़की है और ये बना है हमारे घर पालक गोश्त। अच्छा जी, अब हम खाना खाते हैं और फिर हलीम का व्लॉग आपको दिखाएंगे। अभी हलीम जो है ना बना रहे, हम जा रहे हैं वहाँ पे, क्या क्या तैयार है, कोरमा वरमा तैयार है और टीम पूरी आ चुकी है वहाँ। फिर रात भर पत्ते वत्ते भी खेलेंगे तो मज़ा आएगा बहुत, रात भर पूरी बस जाके। फाइनली भाई हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और ये देखे चढ़ चुकी हैं, दिल मारे गैस का मसला है पूरे पाकिस्तान में। तो गैस के सिलेंडर हमने पहले से पहले भरवा के रख लिए थे और लाइट गई भी थी और रेहान भाई जो अंधेरे के अंदर ना बोटियों को निकाल के देख रहे थे गल गए, कोरमा उन्होंने पहले से पहले तैयार करके रख लिया था जो रेहान भाई दोपहर से काम में लगे थे, दालें वगैरह उन्होंने सारी भिगो के रख दी थी। तो तकरीबन हमारे आने से पहले 80% 70% रेहान भाई ने काम निपटा दिया था कि जो है ना सारा किसी को टेंशन ना हो। अब लाइट आए तो फिर हम लोग जो है चाय वाय का सीजन चलाए, फिर बैठते हैं हम लोग। पट्टी पड़ी दादास्ता पट्टी पे पहुंच गया, तेरे बच्चों से कितने होगा, छोटे बच्चों से कितने होगा, अब कान बदल लगाओ। गोश्त के जो है तकरीबन लच्छे कर दिए थे वो जो उसका रेशा करते ना, तो ये गोश्त के कुछ बूटे रह गए थे, लच्छे वच्छे हो गए, चाय वाय पी के लोग पत्ते भी खेल लेते और कुछ जो है काम में भी लगे थे, ये लच्छे तैयार थे कि अब वो गोश्त में डाला जाएगा। देखिए उससे रेशा बनता है, इसी का तो मज़ा आता है हलीम के अंदर। तो ये लोग बेचारे देखे रेशा कर करके थक थक के जो है लेट गए थे और बाहर जो है टीम बैठ रही थी दूसरी की, एक टीम भी खेल के हार चुकी थी और अब दूसरी नहीं है, देख पे काम चल रहा था। अच्छा गैस का मसला हो रहा था तो गैस का दूसरा सिलेंडर भी भरवा लिया था कि दूसरा सिलेंडर भरवा के लेके आ जाओ, तो जहांगीर है वो जाके ना सिलेंडर भरवा के ले आते, वो ऑरेंज कलर का सिलेंडर था, ये ब्लू कलर का सिलेंडर है। अब ये लोग जो है बैठे हुए दूसरा गेम खेलने, अब देखते हैं ये गेम किसके ऊपर होता है। तुम्हारा एक लोग को डाल दिया मैंने, बारी किसकी है दिल्लू भाई, हैं? बड़ा रखते हैं, बड़ा बड़ा अंदर का कमाना है, उसमें गोटे भी आ जाएंगे निकाल के, जैसे रखते हैं रख रहे हैं, इसमें भी रख रहे हैं। जी फजर हो चुकी थी, सुबह सुबह का मौसम बड़ा अच्छा था और हमें लग रही थी भूख क्योंकि रात का खाना खाया हुआ था और रात भर जो है ताज भी खेले, हलीम का काम वाम भी किया, तो हमने बोला चलो बाहर जाके देखते हैं चाय पराठा मिल जाए, मगर हमें कुछ भी नहीं मिला, हम वापस आ गए। जल्दी गल जाए नमक से नहीं, पल्लू है अभी जाग रहा था, मुझे वो ध्यान भी लगा रहे घोटा लग रहा है, ये घोटा लगा लगा के थक गए, रात घोटा लगा है।
इन्होंने बहुत पिसाई करी है, बहुत पिसाई करी है, बहुत पिसाई करी, मगर फिल्म में नहीं, ताश में। इतनी पिसाई करी है इन्होंने, इसकी कोई याद नहीं। ताश के बड़ा बैठी नलीम बन गया। हमारे वाले उनको जानते तुम नहीं, ये वो हाल इमरान भाई थोड़ी है, वो इमरान भाई तो चलेगा। ये रेशा कर करके 36 हो गए और पल्लू अभी कुछ लेने गया है और यहाँ पे कोरमा बना हुआ है। हैं, भूख लग रही, खाना खा लो। हमने सोचा अपनी ही वीडियो बना ली जाए, वरना लोग बोलेंगे भाई तुम क्या रात भर ताश के पत्ते खेले थे, तुमने गोटा वोटा तो लगाया नहीं। तो हमने थोड़ा सा गोटा पकड़ा और थोड़ी सी हमने अपनी वीडियो बनाना शुरू करी कि लोगों को वीडियो में दिखते जाए कि हाँ भाई हम भी हलमी में मौजूद थे और हमने गोटा भी लगाया और हलमी बनाया। बल्लू उसकी जाकते मगर कमरे में नहीं आ सकते यार, उठा के लाओ तो। सो गया हूँ, मगर पिसाई तो सबसे ज्यादा तुमने किए दिल्लू भाई। भाई मैं 10 गेम में 3 गेम आ रहा हूँ, अभी चल कर आ रही है, ढोने की जरूरत नहीं है, गर्म हो रही है। हाँ तो ये गई भी थी ना मालिक, यूँ ना तो वो आ गया था मैं, पेप्सी कंपनी। तो ये है वो राजकुमारी जिसके लिए पूरी रात करी हमने खुआरी। इसको जो है ना मैं रात को ला के रख रहा था, मगर कुछ थे लोग जिनको हमने बोला था, उनकी जो है वो गई हुई थी ऑर्डर पे, तो हम पूरी रात इसको ढूंढते रहे और कांटेक्ट करते रहे किसी से हो जाए। तो जो सुबह जाके 11 बजे हमें बंदे से मिली तो हम ये लेके आए। सिर्फ इसका काम तो 10 मिनट का। अच्छा, इसका सिर्फ पर्पज़ ये होता है कि जैसे ग्राइंडर यूज़ होता है ना, इसी तरह ये ग्राइंडर से जो है ना इसकी दालें वगैरह को बिल्कुल बारीक पीस देती है, तो दालों जो है ना मुँह में नहीं आती, तो हलीम का जायका ख़राब नहीं होता। तो बाबा भाई ने तभी से इसकी घुटाई की, सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये जो है रेडी हो गया। अब इसके अंदर इसका डलेगा कोरमा। अब जिसमें डालना है हमारे कोरमा, तो ये दिल्लू भाई जो तछला ले आए थे, ऐसा लग रहा था कि दिल्लू भाई बोले मुझे कोरमा दे दो, मुझे भूख लग रही है। तो वो जग से हम कोरमा मजाक की बात है, तो वो नीचे लगे था कि सालन वगैरह नीचे ना गिरे, तो ये 5-5 जो है ना दोनों में बना रहा था, क्योंकि एक हमने बनाई थी स्पाइसी और एक हमने बनाई थी नॉर्मल। पांच डाले थे ना इसमें, डाले तो डाले वो बेचारे साथ गए मैं नाजाबाद के लिए बेटा। चलो पापा, ये है ये शिव पापा। हाँ ये चाहिए थी वीडियो। अब इसका घुटाई का टाइम हो जम के, अब इसी होगी जबरदस्त तरीके से घुटाई। दिल्लू भाई बाबा भाई ने जबरदस्त तरीके घुटाई की। टिकटॉक पे थोड़ी डाली है मैंने, थोड़ा चार जुआरी अली पकाते हुए, चार जुआरी ग्रामी ग्रामी, एक 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 बंदा लगा। रात भर दिल्लू भाई ने पिसाई की, अब दिल्लू भाई ने घुटाई की। दो नीचे मारना है, गाने पे कमजोर देना है। सबसे खतरनाक काम है, हर कोई नहीं कर सकता वो काम। सब अपने अपने कामों में लगे हुए, अंदर बनाऊ। बेचारे पत्ते खेल खेल के गड्डी पीस पीस के थक के सो गए। ये पल्लू सो रहा है आराम से और इधर जो है रेहान भाई सो रहे हैं, क्योंकि रेहान भाई ने तो बेचारों ने बहुत काम किया था रात, कल जो हफ्ते की रात से लगे हुए थे, सुबह के दोपहर शाम से। तो ये दूसरे दोस्त आए हुए थे, ये बन के सो रहे थे। हमने मुनासिब डिसीजन को उठाना ना, आप सो जाए फिर ये कि अभी बाहर जो है, तो ये तेल वगैरह जो है ना बाहर गर्म हो रहा है, क्योंकि प्याज भगार के लिए रेडी हो रहा है, तो ये भगार लगाने के लिए तेल गर्म कर रहे हैं। ये भगार के लिए तैयार हो रही है।
अभी सारी चली जाएगी। तो रैम भी जो वो लाए, अच्छा ऊपर से डाल के खाने वाली बना ले मेरा सीधा हाथ ही चलता, मैं हूँ लेफ्टी। रोको दिल भाई रोको, और जो बाकी का रेशा करना था वो भी तो लेके तैयार, पहले वो भी रेशा कर लो। चलो मिलाओ और ला रहा हूँ, ये रहो ये ले, ये भी डालने इसके अंदर। अभी नहीं डालो, अभी नहीं डालो, ये ले इसी पे कर रहे हैं। लग रही बिना भगाड़ लगाए आप शक्ल देखिए हलीम की कितनी ज़बरदस्त आई है। अब ये इसमें ऊपर से तेज़पात के पत्ते डाल लें और उसके आप ज़बरदस्त तरीके की घुटाई हुई है और हलीम शक्कर बिना मतलब देखिए आप शक्ल से ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्त आप भगाड़ लगने के बाद तो आप इसका टेस्ट ही और चेंज ही हो जाएगा। रोटी पराठे हम लोग मंगा चुके हैं, 2:30 बजे का टाइम था तकरीबन, तो हमने कहा चलो अभी के हलीम से ही रोटी खा ली जाए। तो हलीम रोटी और पराठे भी रोटी मंगा ली थी हमने, तो लोगों ने बोला कि चलो ठीक है अब लगाते हैं खाना है, नाश्ता इसी से करेंगे। तो ये अब हम अंदर ले आके सर्व कर रहे हैं और अंदर लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि खुशबू भी अच्छी निकल रही थी और मतलब शक्ल से भी अच्छा लग रहा था। यकीन आप लोगों को देख के मुँह में पानी आ जाएगा, मेहनत से बनाया ये। चलो लो इमरान भाई प्लेट दो, प्लेट दो। अच्छा जी अब ये व्लॉग करते हैं हम एंड, इंशाल्लाह आपको व्लॉग उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अब हम भी हलीम खाने बैठते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा बना है, स्पाइसी और सादा। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। Oh.